This conference will now be recorded. हेलो हेलो, यस सर। क्या वो सब वेट करते करते चले गए क्या घर? ओके, पता नहीं सर। जो लास्ट क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे? फ्लैट फिल और फिल सीरीज हम लोग का कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फ्लैश फिल, नहीं हुआ था फिल सीरीज, और एक ही हुआ था। ओके ठीक है, चलो फ्लैश फिल करते हैं। क्या वो ठंडक रहा अभी भी? बंद है तो एक वेदर थोड़ा सही है ना आज। क्या जो चलो भाई, डेटा नोट डाउन करो। फ्लैश फेल, वर्ड का असाइनमेंट याद दिलाते रहोगे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो आप लोग? चलो तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा फ्लैश फिल। फिल का मतलब भरना, फिलअप करना, फिल करना, सीरीज बनाना। फ्लैश का मतलब तेजी से। वेरी गुड। सो यहाँ पे एक छोटा सा डेटा आप लोग देखो, जहाँ पे हमने कुछ नेम टाइप किया है, और नेम टाइप करने पे हमने जो किया है वो ये है कि फर्स्ट नेम हमारा अलग कॉलम पे है और लास्ट नेम जो है वो अलग कॉलम पे है। राइट, ऑनलाइन वाले दिख रहा है? चलो ठीक है। सो ये जो फ्लैश फिल का फीचर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक्सेल का एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है। और अगर आप कभी काम करते वक्त में इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो ये फ्लैश फिल आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकता है, बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकता है। तो ये फ्लैश फिल ऑप्शंस आपको नॉर्मली कहाँ पे दिखेगा वो मैं बताता हूँ। तो आप देखो, होम पे जाकर फिल हेडिंग के अंदर ही एक ऑप्शंस मिलता है आपको, फ्लैश फिल। फिल हेडिंग के अंदर ही आपको एक ऑप्शंस मिलता है फ्लैश फिल। अब ये काम हम लोग एक्सेल पे किस लिए करेंगे और क्या यूज हो सकता है वो समझो।
यहाँ पे कितना नेम्स टाइप किया हुआ दिख रहा है आप लोगों को? 8। अगर ये 8 नेम के जगह 800 कस्टमर्स का नेम होगा तो बड़ा सा एक डेटाबेस हो जाएगा, राइट? तो आप किसी कंपनी में एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हो, आपका काम क्या है? बैठे बैठे डेटा प्रिपेयर करना। तो आपको एक लिस्ट मिला है जहां पे 800 कस्टमर का या स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉई का डेटा दिया गया है। बट प्रॉब्लम क्या है वो डेटाबेस में? वो डेटाबेस में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट नेम आपका जो है वो अलग कॉलम पे है और लास्ट नेम आपका अलग कॉलम पे है। आपको सिंपली बोल दिया गया बैठकर कुछ नहीं करो, ये पूरा जो नेम है ना ये एक सिंगल कॉलम पे होना चाहिए, अमित कुमार एक सिंगल कॉलम पे होना चाहिए। अब अगर आपको ये काम देकर बैठा गया और बोला गया 800 कैंडिडेट का डेटा है, कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। तो फ्लैश फिल बोलकर दो एक सेकेंड फीचर्स आता है एक्सेल में जिसके थ्रू आप ये काम को विद इन ए फ्लैश ऑफ ए सेकेंड कर सकते हो। तो इसी के लिए इसका नाम दिया गया है फ्लैश फिल। तो मैं क्या चाहता हूं कि हमारा जो नेम है वो एक सिंगल कॉलम पे आ जाए। तो क्योंकि ये कोई फंक्शंस कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आपको एक्सेल को थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि आपको डेटा कैसे चाहिए। तो आप यहाँ पे एक नेम जो है उसको टाइप करके बताओगे कि हमें इस तरह से डेटा चाहिए। तो आपने क्या बताया? अमित स्पेस कुमार, तो हमें डेटा इस तरह से चाहिए। तो फर्स्ट नेम जो है आप टाइप करके बताओगे कि आपको कैसे चाहिए। करने के बाद आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद आप फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे तो होम फिल, और फिल पे जाके आप बोलोगे फ्लैश फिल, और वो आपका काम को कर देगा। कितना समय लगा? अगर लगभग 800 डेटा भी होगा तो भी वो इतना समय में ही आपका काम को कर देगा। और एक बार दिखाइए ना सर। हाँ, एक बार क्या, हम दो बार दिखाएंगे आप लोगों को। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि आपको डेटा किस तरह से चाहिए। एट प्रेजेंट ये डेटा इस तरह से है, बट आपको कैसे डेटा चाहिए? हेडिंग छोड़ दो, फर्स्ट नेम को डिफाइन करो। आपने बोला इस तरह से चाहिए, अमित कुमार। करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद आप फ्लैश फिल करो, होम फिल, और फिल में जाने के बाद आप बोलो फ्लैश फिल, इसी तरह से उसको फिल करने के लिए। तो उसी पैटर्न पे वो फिल करके आपको दिखा देगा, उसी पैटर्न पे वो फिल करके आपको दिखा देगा। समझ में आई बात? मर्ज सेल करने से तो कॉलम तो दो ही रहेगा, कॉलम तो एक नहीं बन जाएगा, ये तो एक कॉलम पे आ गया सारा डेटा ना। और जब आप ये दो को लेकर मर्ज करोगे ना तो एक रहेगा एक डिलीट हो जाएगा, एक रहेगा और एक डिलीट हो जाएगा। और एक एक करके थोड़ी ना करना है आपको, तो सारे का करना है, तो करोगे कैसे? तो इस तरह से जाकर हम लोग फ्लैश फिल कर सकते हैं। फ्लैश फिल का एक शॉर्टकट भी आता है, फ्लैश फिल का एक शॉर्टकट भी आता है। तो हमने बोला अमित स्पेस कुमार, करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद फ्लैश फिल का शॉर्टकट करेंगे कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। तो इस तरह से हम लोग फ्लैश फिल का शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ खाया करो, पेन का लोड यूज नहीं कर रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, कभी बुक गिर जाता है, कभी नोटबुक गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लैश फिल कर सकते हैं। बट हमने जब यहाँ पे फ्लैश फिल किया तो देखा हेडिंग भी हमारा फ्लैश फिल हो गया। होने दो ना, एक हेडिंग को अगर चेंज करना होगा कैंडिडेट नेम, कितना समय लगेगा? हमारा 800 डेटा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, राइट? बट जब मैंने ये फ्लैश फिल किया तो मैंने देखा अमित का ए कैपिटल, कुमार का के कैपिटल, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल पे चाहिए, बस लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल पे नहीं चाहिए। फिर से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, अमित स्पेस कुमार, इस बार कुमार का के मैंने स्मॉल लेटर पे रखा। करने के बाद फ्लैश फिल में जाओ या कंट्रोल प्लस ई करो, आपको वो काम करके दे देगा। और इस समय जो काम करेगा वो आपका जो
सर नेम या लास्ट नेम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे वो स्मॉल लेटर पे रखेगा। जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, सिर्फ आपका इंस्ट्रक्शन इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। हाँ आएगा, ठीक है ऑनलाइन वाले, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो डेटा मिला है उसमें नेम हमारा एक कॉलम पे है, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम को लेकर काम करना है, तो मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम को अलग कर दूं और लास्ट नेम को अलग कर दूं। तो फिर से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, अमित एंटर कंट्रोल ई, सिर्फ फर्स्ट नेम को ले आया वो। कुमार एंटर कंट्रोल ई, तो वो उसे भी करके दे देगा। तो आइदर वो एक कॉलम पे है, सेपरेट करना चाहते हो कर सकते हो, सेपरेट कॉलम पे है एक कॉलम पे करना चाहते हो कर सकते हो। आपको ये पैटर्न नहीं चाहिए, आपको पैटर्न क्या चाहिए कि लास्ट नेम पहले चाहिए फर्स्ट नेम बाद में चाहिए। दो इंस्ट्रक्शन, कुमार अमित कंट्रोल ई। थ्री कॉलम का डेटा को लेकर थोड़ा सा करना होगा। देखो ये काम इससे भी कर सकते हैं और 13 पे फॉर्मूलाज वगैरह भी आ गया है तो उससे भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना लास्ट एक चीज कि एक्सेल में ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं होगा, होगा, बट कुछ चीजें इजी हो सकता है, कुछ चीजें में थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाकर आप लोगों को फ्लैश फिल फीचर्स का यूज समझाया। क्लियर है सारे को ऑनलाइन वाले? श्रद्धा विश्वजीत, यस सर, क्लियर है। चलो एक और फ्लैश फिल का अच्छा फीचर देखो। हमारा एक डेटाबेस बना रहा हूं जहां पे 200-300 इंप्लॉई का डिटेल्स टाइप करना है, या 800 स्टूडेंट्स का डेटा टाइप करना है, या फिर सेल्स का डेटा है। तो हमने वहां पे एक कॉलम रखा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कॉलम रखने के बाद आपने बोला अकाउंट्स, पहला इंप्लॉय जो है अकाउंट्स में काम करता है, देन दूसरे इंप्लॉय जो है एडमिन में काम करता है, देन थर्ड इंप्लॉय सीआरएम में काम करता है, देन एचआरएम में काम करता है, फोर्थ इंप्लॉय जो है वो सीआरएम में काम करता है, फिफ्थ इंप्लॉय जो है वो फिर से अकाउंट्स में काम करता है। तो पूरा अकाउंट्स टाइप करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे ए टाइप किए, फिर जैसे ही सी करोगे देखो वो इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि क्या आप अकाउंट्स टाइप करना चाहते हो। अगर अकाउंट्स टाइप करना चाहते हो तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, इतना दे दिया आपने इंटर किया वो आ जाएगा। और ए सिर्फ टाइप करने से इसलिए नहीं आया क्योंकि ए से दो नाम है एडमिन और अकाउंट्स। अगर एच करोगे तो पूछेगा भी नहीं, एच के बाद ही वो दिखा देगा क्योंकि एच से एक ही डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है, सी एक ही डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। तो टैली से ज्यादा ही आप एक्सेल पे कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप लोग एक ही चीज को रिपीटेडली यूज करना चाह रहे हो, हमारा जो 200 एम्प्लॉय है वो सारा 5 डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करता है, तो बार बार हम क्यों एक ही चीज को टाइप करने जाए। हम लोग इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है क्लियर है। अब और भी कुछ फीचर्स बताते हैं आप लोगों को ये फ्लैश फिल का। बोलो कोई कुछ बोले हो? ऑटोमेटिक ही होता है बट एक फीचर्स इसमें इनेबल करना पड़ता सर है। मैंने एक बात बोलना था। हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, वो जो आपने बोला ना फ्लैश के बारे में, आपने जो बोला कि हाँ ए से लेकर अकाउंट ऑटोमेटिकली ले रहा है, वो हाँ एक ही स्क्रीन के अंदर में कर रहा है उसी लिए ले रहा है ना? अगर दूसरा कोई स्क्रीन में करेंगे तो नहीं लेगा ना? नहीं, नहीं लेगा। एक ही शीट में एक ही जगह में कर रहे हो इसी के लिए ले रहा है वो। एक आपने अगर कॉलम नंबर ए में किया है और एक नंबर कॉलम नंबर एफ में कर रहे हो, नहीं लेगा वो। नहीं लेगा। और नहीं एक बात सर बोलना था, वो जो फ्लैश फिल्म हम दिखा रहे थे, जो अमित कुमार, तो मान है लीजिए तो जो कंपनी का जो डाटाबेस देगा जो चीज देगा है तो सिर्फ ऐसा ही तो नहीं होगा, जैसे दो ही चीज रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा। तो हो मान सकता है। लीजिए तो उस तो अमित कुमार है, कस्टमर नेम है, फास्टेस्ट फॉर्म है, फास्टेस्ट डेट है, फास्टेस्ट मटेरियल है, रीजन है, तो बहुत सारा मान कॉलम लीजिए हो सकता तो है। ऊपर दिखा, हाँ बहुत सारे कॉलम होते हैं, तो मान लीजिए सर वापस यस दिया है जो अमित कुमार, पर कंपनी ने हाँ हमको बोला कि इसी सीट पे कुछ भी चेंज मत करके, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं जो अमित कुमार पहले टाइप कर दिए,
पूरा छूट यस, जाके दूसरा कोई कॉलम में जाके टाइप करके, मैं बस वो आपका बच्चे से ए क्वेश्चन में को है। समझ रहा हूँ, सुनो मेरा बात सुनो, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का ही मैं आंसर ये देने जा रहा था। आपने क्वेश्चन किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सोचा, बट ये जो मैंने अभी बताने जा रहा है ना आप लोगों को, इससे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। एकदम। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एड्रेस है, 27 NS रोड कोलकाता, सेवन डबल जीरो वन, ठीक है? ये कुछ एड्रेस मैंने टाइप किया, तो ये एड्रेस में हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉय का, या फिर एक डेटाबेस मिला है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एड्रेस है। मुझे ये सारा एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे ये सारा एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे ये सारे एड्रेस का पिन कोड सिर्फ चाहिए। तो ये सारे एड्रेस में तो पिन कोड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये सारे एड्रेस का सिर्फ पिन कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? हो सकता है, कैसे? फ्लैश फिल के जरिए से। तो चलो हमने यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है 700001, ठीक है? फिर हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद मैंने बोला कंट्रोल ए, नहीं लेगा, पहले से ही बोल दी नहीं लेगा, पढ़ो तो क्या बोल रहा है वो, पहले सुन तो ले एक्सेल बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो जब मैंने किया नहीं ले रहा वो, ठीक है नहीं ले रहा है, पहले हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वी लुक्ड एट ऑल दी डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन बट डिड नॉट सी ए पैटर्न टू फिलिंग इन दिस सीरीज फॉर यू। मैंने आपका डेटा को देखा बट मुझे ये डेटा को देखकर कोई पैटर्न नहीं समझ में आया कि आपका डेटा में क्या फिलअप करना है आपको, क्या करना है आपको, तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो? हाँ बोलिए। एक और लिखने से हो जाएगा तो फिर तो सारा ही हम लिख देंगे, वो क्या करेगा? नहीं बाबू ऐसा नहीं है, नहीं देखो तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे लोग देखो, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूं, कुछ समझ में आया बात? ऑनलाइन वाले, मैंने यहां पे फर्स्ट कॉलम का विड्थ को बढ़ा दिया, तो अब हमें ये दिख रहा है कि एड्रेस हमारा कौन से कॉलम पे है, कॉलम। ए कॉलम, बी और सी ब्लैंक था, और मैं फ्लैश फिल कहां पे कर रहा था, डी पे कर रहा था, जिसके कारण वो डेटा के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहा था, तो डेटा के साथ वो रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहा था। अब मैं यही इंस्ट्रक्शन जब बी नंबर कॉलम पे जाकर देता हूं और उसके बाद मैं कंट्रोल ई करता हूं और देखता हूं होगा या नहीं, हो गया। तो इससे समझ में ये आता है कि हमारा डेटा के साथ रिलेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो एक्सेल का एक फीचर्स पर है, एक सर हम बोल टेंडेंसी रहे है। हाँ मैं आपका ही आंसर दे रहा हूं, एक्सेल का एक फीचर्स, एक टेंडेंसी क्या है ना, कि अगर आपका इतने एरिया पे डेटाबेस है, इतने एरिया में डेटाबेस है ए बी सी डी में, तो अगर आप ई में कोई काम करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके डेटा के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर लेगा, या फिर 22 नंबर रो में कोई काम करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके डेटा के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर लेगा, बट
अगर आपका डेटाबेस के बाद एक भी रो या एक भी कॉलम में कोई गैप आ जाता है, तो फिर वो डेटा के साथ वो रिलेशन नहीं बन पाएगा और वो आपका डेटा के साथ कोई मैचिंग करके काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका पूरा एक कंप्लीट डेटाबेस है, जो नवीरन ने क्वेश्चन किया कि हमारे पास इम्प्लॉय कोड है, इम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, उसके बाद एक कॉलम पे मैं करना चाहता हूं नेम को लेकर फ्लैश फिल, तो होगा? हो जाएगा, क्योंकि आपका कोड है, नेम है, फिर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, उसके नेक्स्ट रो में ही, कॉलम में ही जाकर आपको फ्लैश फिल करना पड़ेगा, तो वो काम कर देगा। बट अगर एक रो या एक कॉलम को आप गैप कर देते हो, तो वो फिर रिलेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। बुझले नवीरन? স্যার আমি বলছিলাম যে এই কলমটাতেই আছে 27NS রোড কলকাতা, ওই হ্যাঁ কলমটাতেই যদি কোম্পানি চাই যে শুধু পিন কোডটা থাকবে তখন কি করব? ওই কলমটাতেই হ্যাঁ এ কলমটাতেই থাকবে। এটা যেমন না বি ওই কলমে হয়েছে, আমি বলছিলাম ধরুন এ কলমে এমপ্লয়ীদের নাম আছে, বি কলমে এমপ্লয়ীদের এ আছে, টাইটেল আছে, সি হ্যাঁ কলমে এমপ্লয়ী কোড আছে, তো সুতরাং ওখানে তো হ্যাঁ কিছু ই কলমে তো গিয়ে করতে পারবো না অতগুলো, মানে তো নিশ্চয়ই দেখাবে। তো আমি বলছিলাম না যদি এ কলমে যদি শুধু না, তুমি এ যদি কলমে এই যদি করা কলামে হয়, শুধু পিন কোডটা নিয়ে আসবে, তো এই কলামে যে অ্যাড্রেসটা ছিল সেটা কোথায় যাবে? সেটা অ্যাড্রেসে তো ডিলিট কোম্পানি হয়ে চায় না যাবে। এখন, শুধু পিন কোডটা চায়। হ্যাঁ না, শুধু পিন তাহলে কোডটাই তোমাকে চায় কি করতে কোম্পানি। হবে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, সেই বেসিসে তোমাকে একটা নতুন কলাম ইনসার্ট করতে হবে ডেটাবেজের মাঝখানে। নতুন কলামটাকে ইনসার্ট করে তুমি ওখানে ফ্ল্যাশ ফিল করে নাও, আর এবার তুমি অ্যাড্রেস কলামটাকে ডিলিট করে দাও। বুঝলাম না স্যার, বুঝলে? বুঝতে তুমি পারলাম কি না, বলছো বুঝতে পারছি এখানে? না। তুমি বলছো যে এখানে অ্যাড্রেস আছে, তারপরে ডেটাবেজ আছে না? এবার তোমার এই এ কলামেই তোমার পিনকোড দরকার, অ্যাড্রেস দরকার নেই। রাইট, তো তুমি তখন কি করবে, তুমি এ কলামে পরে একটা নতুন কলাম অ্যাড করো। যেমন এ কলামে পরে তুমি একটা নতুন কলাম অ্যাড করে নিলে, যেমন এখানে আমি কি করছি, এখানে কিছু ডেটাবেস গুলোকে কপি করছি, আচ্ছা এই ডেটাবেস গুলোকে কপি করলাম। কপি করার পর এবার তুমি বলছো যে আমার এখানে এই অ্যাড্রেসটা দরকার নেই, শুধু পিনকোডটা দরকার। তো ডাইরেক্টলি তুমি ওটাকে পিনকোড সাথে রিপ্লেস করতে পারবে না, তোমায় কি করতে হবে, একটা নতুন কলাম অ্যাড করে নাও। নতুন কলাম অ্যাড করে তুমি পিন কোডটা ফ্ল্যাশ ফিল করে নিলে, করার পর এবার তুমি এই কলামটাকে ডিলিট করে দাও না, তোমার কাজ হয়ে যাবে। বুঝলে? আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছি স্যার। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে একটা খালি কলমটাকে ইনসার্ট করে একটা পিন কোড নিয়ে এসে এবার এই বাকি ওটাকে তুমি ফ্ল্যাশ ফিল যেটা করে নিতে বাকিটাকে চাইছো ডিলিট করে এটা দিবে? অনেক সময় হয়, এটা অনেক সময় তুমি যেটা করেছো কোশ্চেন, একদম লজিক্যাল কোশ্চেন, যে আমার এই জিনিসটা দরকার নেই, এর জায়গায় এই জিনিসটা দরকার। তো আমি আগে অরিজিনালটাকে রিমুভ করতে পারি না, আমি যেটা চাইছি সেটা অন্য জায়গাতে বের করে নিলাম, তারপরে অরিজিনালটাকে রিপ্লেস করে দিলাম বা ডিলিট করে দিলাম, একদম এটা হতে পারে। ক্লিয়ার? সো ইস তরহ সে যাকর আপ লোগ ইয়ে স্যার ফ্ল্যাশ ফিল ফিচার্স কা ইউজ কর সকতে হো। ঠিক হ্যায়? ফ্ল্যাশ ফিল বহুত সারে চিজ মে কাম পে আতা হ্যায়। আগর আপ ইয়াহা পে বোল রহে হো বহুত সারা নম্বর হ্যায়, 455.78, তো ইয়ে সারে নম্বর মে আগর আপ হোল নম্বর কো সেপারেট করনা চাহতে হো, ফ্র্যাকশন কো সেপারেট করনা চাহতে হো, কর সকতে হো। आप होल नंबर रखना चाहते हो, फ्रैक्शन नहीं रखना चाहते हो, आप इंस्ट्रक्शन दो ना 455 कंट्रोल ई, फ्रैक्शन ऐसे ही हटा देगा। आप सिर्फ फ्रैक्शन लाना चाहते हो 79 कंट्रोल ई, तो बहुत काम पे आपका ये फीचर्स आ सकता है, वेदर इट मे बी टेक्स्ट, वेदर इट मे बी नंबर, वेदर इट मे बी एड्रेस। तो हर एक जगह में अगर आप लॉजिकली फ्लैश फिल बताते हो उसको, तो आपके लिए करके दे देगा। तो अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, कितना टाइम वो आपको सेव कर सकता है, जस्ट ये इमेजिन करो आप। दिस इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल। तो फिल सीरीज मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, फ्लैश फिल मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कस्टम नंबर फॉर्मेट। ठीक है, कस्टम नंबर फॉर्मेट।
चलो कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, ठीक है। जनवरी लिखने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली से 12 मंथ ले लेगा। तो आपने क्या देखा कि जब आपने यहां पे टाइपिंग किया तो ऑटोमेटिक वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले लिया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले लिया। फिर मैंने यहां पे बोला जैन, तो जैन लिखने के बाद अगर आप करोगे तो ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला मंडे, और मंडे लिखने के बाद मैंने अगर ड्रैग किया हो जाएगा। अगर आपको जनवरी जनवरी लिखना है ना तो हो जाएगा, वो मैं बता देता हूं। तो यहां पे आपने इस तरह से सीखा, ठीक है। बट अगर मैंने जनवरी को ही लिखा, मैंने जनवरी को क्या लिखा, जनवरी पूरा लिखा तो आ गया जैन, लिखा तो आ गया। अगर मैं लिखता हूं, अरे पार्ट ऑफ जनवरी तो है नहीं है, तो अगर आप इसको लिखते हो तो क्या होगा? तो एक्सेल क्या बोला है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड इलॉजिकल क्वेश्चन। पहले जो आपने दो किया था वो लॉजिकल क्वेश्चन था, ये लॉजिकल नहीं है। एक पर्सन जब मंथ को लेकर काम करता है वो आइदर जनवरी लिखता है या जैन लिखता है। तो ये चीज को प्रोग्रामिंग करके एक्सेल में डाल दिया गया है। आप अगर जनवरी लिखो तो वो दिसंबर तक दे देगा आपका काम आसान करने के लिए, अगर आप मंडे लिखो संडे तक दे देगा आपका काम इजी करने के लिए। तो ये कुछ जो है ना वो ऑलरेडी डिफॉल्ट लिस्ट है जो आपको मिलेगा। बट मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे हमारे ये इम्प्लॉय का लिस्ट है या हमारे ये स्टूडेंट का लिस्ट है, मैं हर वीक में आप लोग का एग्जाम लेता हूँ, और 20 जन हमारे क्लास में है। तो हर वीक में मैं जब क्लास एग्जाम लेता हूं तो सबका नाम चाहिए होता है। मैंने बोला कि ऐसा करूं ना कि एक का नाम टाइप करूं, और नाम टाइप करने के बाद मैं उसे ड्रैग करूं और मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाए। कैसा होगा? नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, नहीं तो वर्ड होता नहीं है एक्सेल में, होता है नहीं होता है। तो समझ में आई सबको बात ऑनलाइन वाले? तो ये जो लिस्ट है ये एक्सेल के पास ऑलरेडी था इसलिए उसने प्रोवाइड कर दिया, ये लिस्ट आपके पास नहीं था इसलिए वो प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं अगर एक्सेल को ये एक बार जाकर बता दूं, एक्सेल को अगर मैं ये जाकर बता दूं कि ये हमारा एक लिस्ट है जो मुझे हर समय चाहिए, तो एक बार मैं ये वो लिस्ट है उसको बना कर दे दूं ना, उसके बाद जब भी वो लिस्ट मुझे चाहिए वो एक्सेल मुझे दे देगा। आपको भी ठंड लग रही है? तो वो लिस्ट हम लोग अगर एक्सेल में चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो लिखो आप लोग हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट। हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट। इस कंप्यूटर में ले लेगा, दूसरे कंप्यूटर में नहीं लेगा, ठीक है। आप अपने घर में पेंट करोगे तो ऑफिस में तो होगा नहीं, वो घर पे ही रहेगा, तो ऑफिस में करने के लिए फिर से करना पड़ेगा। बट एक बार इस कंप्यूटर में एक्सेल में आप ये काम कर लोगे ना, तो फिर आप इस कंप्यूटर में किसी भी एक्सेल फाइल ओपन करो वो ले लेगा, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट, जब दूसरे फाइल में ही ले लेगा तो फिर तो नया शीट तो कुछ नहीं है, दूसरे फाइल में भी ले लेगा वो, ठीक है। सो फाइल, फाइल में जाने के बाद आप लोग जाओगे ऑप्शन फाइल देन ऑप्शन। ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग देखना कि यहाँ पे बहुत सारे आपको हेडिंग्स मिलेंगे, जनरल, फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव, ये। तो आपको वहां पे जाना है एडवांस में। कहाँ पे जाना है?
एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद एकदम बॉटम एरिया पे जाकर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। तो एडिट कस्टम लिस्ट में आप क्लिक करो। ऑनलाइन वाले देखा आप लोगों ने? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाइल ऑप्शन एडवांस, स्क्रॉल डाउन करो आप लोग। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिट कस्टम लिस्ट, तो देखो यहां पे एक वर्ड लिखा है न्यू लिस्ट, अगर हमें नया कोई लिस्ट बनाना है। और देखो बहुत सारा लिस्ट वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा आपको। यहां पे भी कुछ है, ये एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो ये सारा जो है ना, ये डिफॉल्ट लिस्ट है, कंप्यूटर पे रहता है, हमें नहीं देना पड़ता है। बाकी मैं जैसा चाहता हूं तो मैं दे सकता हूं, और नया लिस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब मैंने यहां पे जाकर कोई भी ये लिस्ट बना लिया, अमित, तो जो भी लिस्ट बनाना है आप टाइप करो, बट हर नेम के बीच में कॉमा देना जरूरी है, नहीं तो फिर वो नहीं समझेगा। तो डिफरेंस तो समझ में आएगा ना, ये एक नाम है, दो नाम है। रो कॉलम तो वो तो अपनी जगह, आप जैसा ड्रैग करोगे उसके ऊपर जाएगा। हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आपने लिस्ट बनाकर उसे ऐड कर दिया, तो वो लिस्ट आपके इसमें आ गया। आने के बाद बोला ओके, फिर से अगर विंडो आया तो फिर से ओके कर दिया। अब ऐसा नहीं कि वो लिस्ट जो बनाया है उसमें पहला नाम टाइप करोगे तभी आएगा, कोई भी एक नाम टाइप कर दो। तो टाइप करने के बाद जब आप उसे ड्रैग करोगे तो ये लिस्ट में नहीं था। तो कोई भी एक नाम टाइप करो, और टाइप करने के बाद आप लिस्ट को ड्रैग करो, वो लिस्ट को बनाकर दे देगा। जहां तक वो लिस्ट है वो जाएगा, और जाने के बाद देखो यहां पे एक मैंने तमल लिखा था मैंने, बट वहां पे कॉमा नहीं दिया था, तो इसके कारण से क्या हुआ, वो उसे रीडआउट नहीं कर पाया। तो यहां से जाने के बाद जब वो एंड हो जाएगा तो फिर से वो स्टार्ट करेगा, राजा से उसी को रिपीट करेगा। तो अब यहां पे इस तरह का लिस्ट बना सकते हो, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हो गया है तो मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो गया तो हो गया। तो आप यहां पे जाकर उसे अगर इस तरह से सेट कर दो तो वो ऐड हो जाएगा। हाँ जब ऐड एडिट कर सकते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जाकर अब अगर टाइप करोगे तो वो उसे रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप एक बार एक्सेल को बनाकर स्टोर करके दे दो, फिर आप जब भी चाहते हो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले? हाँ तो ये सब चीजें जो है ये हमारे हेल्प में आते हैं, इस तरह का फीचर्स यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आप क्या बोले थे, जनवरी बोलकर लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसे लिस्ट बनाना चाहते हो ना, तो इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बोलो क्या बोला आपने, फिल्म में जाकर डाउन, तो डाउन में जाकर वो लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो जैसा चाहते हो वैसा लिस्ट बना सकते हो। अब आपने बोला कि सर ये तो हम जगे हुए हैं तो ऐसे खड़े हैं, अगर मैं सोया हुआ हूं तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो उस तरह से ही बना लेगा वो। एक्सेल सब तरह से काम करता है। तो इस तरह से जाकर अगर कोई लिस्ट वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम लोग ये कस्टम लिस्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक
नया टॉपिक हम लोग करते हैं जो काम पे आएगा आपको लाइफ में। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फ्लैश फिल हो गया, कस्टम लिस्ट बना लिया, अब हम लोग बनाएंगे एडवांस नंबर फॉर्मेट। क्या हुआ? जब सेम है तो मैंने अलग से क्यों लिखा है बाबू? कस्टम नंबर फॉर्मेट नहीं हुआ था भाई, तो अभी करवाया मैंने। जो कस्टम लिस्ट है ना वही कस्टम नंबर फॉर्मेट है, और एडवांस नंबर फॉर्मेट जो है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए और रियल लाइफ में डेटा बनाने में काम पे भी लगता है। ठीक है, सपोज करो कि हम एक डेटाबेस, हमारे पेपर में लिखा हुआ है एक बुकलेट टाइप का है, उसी को लेकर हम एक्सेल में टाइपिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, जहाँ पे कोड है, नेम है, कोर्स है, पेमेंट डिटेल्स है, डेट ऑफ एडमिशन है, इतना सारे डिटेल्स है। तो मैं यहाँ पे ये डेटा को एक्सेल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हेडिंग मैंने दिया स्टूडेंट कोड, और मैं एक एक करके टाइपिंग करना शुरू किया। ए 000 11973, ए 000 11974, 811850। तो जैसे मैंने यहां तक टाइपिंग किया तो फिर मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया। मैं देख रहा हूं कि यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि 9984 8000, यहाँ पे आने के बाद 12, इस तरह से ये। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो भी कोड मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन पार्ट है। क्या है? ए 000। बहुत सारा ऐसा डेटा में कॉमन पार्ट होता ही है, तो कुछ कॉमन पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ कॉमन पार्ट हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि इतना सारा डेटाबेस है, बार बार हमें ये चीज को टाइप करना पड़ रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं यहां पे टाइप करूं 11973 और इंटर करने पे वो आएगा 8000 11973। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत सारा टाइम सेव होगा हमारा। ए को लिखने में शिफ्ट प्रेस करो, ए लिखो, फिर लिखने के बाद ये करो। तो अगर ऐसा हो पाता है तो कितना हेल्प होगा। एम्प्लॉई कोड हो गया, सेल्स आईडी हो गया, स्टूडेंट कोड हो गया, तो हर जगह में इस तरह का कंसेप्ट का यूज आता है। तो अगर ये हमें सेट करना है तो कैसा करना होगा? ऑनलाइन वाले जग रहे हो, बस हो गए? है है, लग रहा है। ठीक है। हाँ, तो कुछ ना कुछ बोलते रहो अगर हो तो ये हमें करना है तो कैसे करेंगे? तो ये काम ना हमें यहां पे नहीं करना है, एक जगह में जाकर के हमको ये फॉर्मेट को डिफाइन करना है। एक जगह में जाकर हमको फॉर्मेट डिफाइन करना है, बट अगर मैं वो स्पेस में जाकर, वो लोकेशन पे जाकर ये फॉर्मेट बताऊंगा ना, तो इतना छोटा लिखेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया। तो मैं यहां पे टाइप करके दिखा दे रहा हूं, वही चीज को फिर से मैं वहां पे रिपीट करूंगा। क्या चीज आपको टाइप नहीं करना है? ए 000, वो ए 000 को आप कोटेशन पे रखो। कैसा कोटेशन? नींद आ रही है आपको? नहीं, तो उसमें थोड़ी लिखा है, लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखो ना। अच्छा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये दो बार नहीं, ये जो मैं बता रहा हूं अब से एक्सेल में बहुत यूज में आएगा। शिफ्ट प्रेस करके मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, एक बार में आएगा। क्या कॉमन है? ए 000, जो हमें टाइप नहीं करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये सबके लिए फिक्स हो गया, ये सबके लिए फिक्स हो गया। उसके बाद कितना डिजिट टाइप करना है?
कहीं पे 4 डिजिट है, कहीं पे 5 डिजिट है, मिनिमम कितना डिजिट है? 4 डिजिट। तो मैंने बोला 1 2 3 4, 4 0 मैंने दे दिया। अगर सब में कॉमनली 5 डिजिट है तो 5 0 मैंने दे दिया। वाह, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक 9984 दिया तो आप बोले सर 1 1 भी तो कॉमन है। नहीं, 1 1 कॉमन नहीं हो सकता है। 1000, 1100, 1200 वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, तो वो कॉमन नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कहाँ पे डिफाइन करना है अब मैं बताता हूँ। तो ये फॉर्मेट मुझे डिफाइन करना है। जो आपको टाइप नहीं करना है उसको कोटेशन पे रखो, और उसके बाद कितना ना डिजिट वेरिएबल चेंजेस कर सकते हो उतना डिजिट का 0 दे दो। अब ये फॉर्मेट आपको कहां पे अप्लाई करना है, ये एरिया में अप्लाई करना है। अभी यहां पे क्या फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को, नंबर ग्रुप में देखो क्या फॉर्मेट दिख रहा है, जनरल दिख रहा है। तो जितने एरिया पे आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना है आप उतने एरिया पे जाकर वो एरिया को सेलेक्ट करो। जितने एरिया सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे उतने एरिया पे ही काम करेगा वो। अब जाना कहां पे है, ये जो नंबर ग्रुप का ऑप्शन देख रहे हो, नंबर ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स देख रहे हो उसे ओपन करना होगा। नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स जो देख रहे हो उसको ओपन करना होगा। उसको ओपन करने के बाद यहां पे इतना सारा हेडिंग है, जर्नल नंबर करेंसी अकाउंटिंग एक्सप्लेन किया था मैंने। लास्ट में क्या है, कस्टम, कस्टम पे जाना पड़ेगा। कस्टम पे जाकर अभी यहां पे क्या फॉर्मेट दिख रहा है आपको, जनरल फॉर्मेट। ये जनरल फॉर्मेट को डिलीट कर दो और अपना जो कस्टमाइज फॉर्मेट है वो यहां पे टाइप कर दो। तो क्या बोला आपने, डबल इन्वर्टेड कॉमा A000, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज 0000। अगर मैं डायरेक्टली टाइप करता अन्नपूर्णा पूछते सर क्या लिखा आपने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी दिखाई दे रहा है ना, एक्सेल में मैंने बता दिया तो 6:30 नहीं 10 के पूर्ण ठीक है। तो ये फॉर्मेट देने के बाद आप ओके करो। अब ओके करने के बाद देखो यहां पे जब क्लिक कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, बट यहां पे क्लिक कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, मतलब यहां पे आपने फॉर्मेट कस्टमाइज कर दिया है। अब मैजिक देखो ना, 11974, ये रियल लाइफ में बहुत यूज में आता है, रियल लाइफ में ये बहुत यूज में आता है। इस तरह का डेटाबेस अगर आप बनाते हो, एक्सेल में तो काम करना ही है, तो एक्सेल में काम करने के लिए इस तरह का कंसेप्ट का यूज आता ही है, जहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आई बात? तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया। इस तरह का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इम्प्लॉई आईडी। तो जैसा हम लोग को यहां पे लिखा हुआ रहता है, हमारा आईडी है ICA3145। किसी का TCS, किसी का PwC, किसी का कुछ आईडी रहता है, तो सबका एक आईडी रहता है। तो किसी का आईडी है ICA11745, किसी का आईडी है ICA745। एक में 4 डिजिट, एक में 3 डिजिट, एक में 2 डिजिट, छोड़ दो नंबर को, कॉमन क्या है, ICA। मैं बोल रहा हूं कि मैं नंबर टाइप करूंगा, मैं नंबर टाइप करूंगा, ICA खुद से आ जाना चाहिए। तो क्या फॉर्मेट आपका होना चाहिए बताओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा ICA 5 डिजिट, मिनिमम को टारगेट करो 3। अगर 5 डिजिट दे दोगे ना, तो अगर आप देते हो 745 तो वो क्या करेगा पता है, 00745, 5 डिजिट करना होगा उसको। तो मैंने बोला मिनिमम 3 डिजिट है तो 3 0 दे दिया, बट यहां पे तो नहीं देना है, कहां पे देना है मुझे। सिलेक्शन किया मैंने, सेलेक्शन करने के बाद नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे। ओपन करने के बाद अभी आप जनरल में हो, तो जनरल से जब कस्टम पे जाओगे तो जनरल यहां पे दिखेगा, ये भी समझ लो। बट अगर आप नंबर पे हो और नंबर से कस्टम पे जंप करते हो तो वहां पे दूसरा कुछ दिखेगा। जो भी दिखे आप उसको डिलीट करो
और डिलीट करके अपना फॉर्मेटिंग डिफाइन करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा आई सी ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज 0 0 0। समझ में आई बात? करने के बाद आप जब ओके करोगे तो आप टाइप करो ना, बहुत यूज है सर, क्या अभी फिर से दिखा सकती है क्या? हाँ दिखा सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि जितना एरिया पे ये चाहिए आप उतने एरिया को सेलेक्ट करो, C2 से लेकर मैंने C8 तक सेलेक्ट किया। मैं नंबर ग्रुप के डायलॉग बॉक्स पे गया और जाने के बाद मैंने कस्टम पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेट दिया गया है, बाय डिफॉल्ट तो जनरल फॉर्मेट होता है, इसे हटाकर हमें हमारा कस्टमाइज फॉर्मेट बताना है। तो मैंने यहाँ पे जाकर बोला डबल इन्वर्टेड कॉमा आई सी ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो आपको टाइप नहीं करना है, जो सबके लिए कॉमन है, उसको आप कोटेशन पे रख लो। उसके बाद जितना डिजिट वेरिएबल है 1 2 3 या 4 5 जो भी है उतना जीरो दे दो और ओके करो। ठीक है श्रद्धा? हाँ तो भी हो जाएगा। यस सर। तो ओके करने पे आपने जितने एरिया को सेलेक्ट किया है उतने एरिया को वो कवर कर लिया वो फॉर्मेटिंग के लिए। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछे कि सर आपने 8 तक किया है तो 8 में क्या दिख रहा है आपको? कस्टम फॉर्मेट। अगर यही काम आप 10 में करोगे तो नहीं लेगा। तो अगर हमने पहले सोचा कि 10 इंप्लॉई है, फिर देखा 15 इंप्लॉई हो गए, तो फिर से काम करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। कहां तक आपने करके रखा है? 8 तक करके रखा, तो ऑनलाइन वाले 8 तक करके रखा है, उसी एरिया को ड्रैग कर दो ना, जहां तक करके रखा वहां तक का काम हो जाएगा। तो इस ये तरह उसी में से वो चीज फॉर्मेट डालता है क्या? हाँ उसी में आएगा जहां पे आप वो कस्टमाइज करोगे वो फॉर्मेट को। अच्छा, वो फॉर्मेट को जहां तक कस्टमाइज करोगे, इवन कोई दूसरे कॉलम पे चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर देखा है, फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट को कॉपी कर लो ना। आपने यहाँ पे जाकर ये फॉर्मेट लिया, ये फॉर्मेट को लेकर के फॉर्मेट पेंटर में कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो ना। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडवांस नंबर फॉर्मेट। अब एडवांस नंबर फॉर्मेट 3 तरह का होता है। पहले प्रीफिक्स होना चाहिए था, सफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब बिगनिंग, पहले का पोर्शन। सफिक्स का मतलब एंड का पोर्शन। अमित कुमार शर्मा, अमित प्रीफिक्स, शर्मा सफिक्स। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, ये एग्जाम्पल में आप लोगों का कौन सा वाला काम हुआ? ये प्रीफिक्स, बिगनिंग का पोर्शन आपका जो है वो कॉमन है, बिगनिंग का पार्ट जो है वो फिक्स है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हमारा एक लेबर का डेटाबेस है जहां पे मुझे लिखना पड़ता है ओवर टाइम, किसी ने 15 घंटे किया है, किसी ने 6 घंटे किया है, किसी ने 40 घंटे किया है, किसी ने 25 घंटे किया है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब मैं यहां पे कोई भी ओवर टाइम मार्क करूंगा ना, तो ओवर टाइम मैं मार्क करूंगा तो वहां पे आ जाना चाहिए 45 स्पेस 6 स्पेस आवर। हो सकता है? तो क्या हो पाएगा? कैसे? तो मैं यहां पे डायरेक्टली बताता हूं। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में बिगिनिंग में तो हमारा नंबर होगा 1 2 3 4 कुछ भी डिजिट हो सकता है। 10 ले लेते हैं, 10 ले लिया मैंने। उसके बाद स्पेस हो गया, एक स्पेस दे दिया मैंने। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा डैश एचआर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एचआर को हमने कोटेशन पे रख लिया और उससे पहले ये दे दिया मैंने ओके।
तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्लैश तो टाइप नहीं किया हमने, तो ऑब्वियस वहां पे दिया था हमने कॉमन के अंदर, तब तो आएगा स्लैश डैश स्पेस जो भी है सब देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेगा। हाँ ठीक है, समझ गए। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये एग्जाम में आता है, अब जो मैं समझा रहा हूं ये एग्जाम में आता है। सेल्स आईडी, सेल्स आईडी में बोला है कि आपको इस तरह से रखना है कि S001/2020/21, S002/2021, S003/2021 एंड सो ऑन, ऐसा करना है। तो यहां पे हमें बताओ कि कॉमन क्या क्या है। ऑनलाइन वाले क्या क्या कॉमन है, ऑनलाइन वाले क्या क्या कॉमन है, ट्वेंटी ट्वेंटी वन और कुछ कॉमन नहीं है, बाकी सारा चीज कॉमन है सिवाय न्यूमेरिकल जो आपका वो है ना 1 2 3 उसको छोड़कर, पर वो 1 2 3 छोड़कर बाकी सब ये है। अब बताओ तो अन्नपूर्णा वहां पे जाना है, बताओ क्या कॉमन है। पिटाई लगाएंगे, मन नहीं लग रहा है। आपके क्वेश्चन के ही मैंने आंसर दिया, आपने बोला 1 2 3, तो 1 2 3 से 102 तक नहीं जाएगा, तो 1 2 3 कैसे कॉमन, 0 0 कॉमन कैसे हो गया, नंबर कभी कॉमन कैसे होगा, नंबर तो चेंजेबल होगा, 1 2 3 में स्टार्ट किया, 100 200 400 तो जाएगा, वो कैसे कॉमन होगा। एस से स्टार्ट होता है वो कॉमन है, स्लैश 2020 ईयर का डेटा है ये कॉमन है। तो मैं ये सेटिंग करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, क्या कॉमन है, एस स्लैश हो गया कॉमन, उसके बाद कितना डिजिट वेरिएबल है, 3 डिजिट वेरिएबल है 1 2 3, फिर से कुछ फिक्स है, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, ये सीख लो, किसी भी तरह का फॉर्मेट बना लोगे, प्रीफिक्स या सफिक्स या बोथ प्रीफिक्स सफिक्स, तीन पार्ट में नहीं होगा, दो ही पार्ट, समझ में आई। ऑनलाइन वाले वो जीरो को किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हो आप। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वही फॉर्मेटिंग यहां पे डाल देता हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा एस 000 डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश 2021। ओके मैजिक देखो, हो गया। एग्जाम में क्या देगा पता है आपको, बोलोगे सर आपने तो आधा अधूरा पढ़ाया, एग्जाम के बारे में बोल दिया, बट एग्जाम में आता है ऐसा है तो आपने नहीं बताया। एग्जाम में आईडी दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी आपको, इस आईडी को इस तरह से रिप्लेस करना है, ये करना है, गिवन रहेगा आईडी बट इस आईडी को इस आईडी से रिप्लेस करना है। अरे ब्लैंक के ऊपर करना है या के काम किया हुआ के ऊपर करना है, आपका जो है उसको सेलेक्ट करो ना, आप अपना फॉर्मेट डालो ना, तो कितना हेल्प कर सकता है ये सोचो। वही फॉर्मेट दिया मैंने, कोई चेंजेस नहीं,
एग्जाम में ये कंसेप्ट आएगा। एग्जाम में जो बनाने के लिए देता है कस्टम लिस्ट, उसको टाइपिंग करके दे देता है। ऐसा नहीं कि ब्लैंक एरिया दे दिया आपको टाइप करना है, नहीं, टाइपिंग करके दे देगा, उसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। समझे सारे लोगों, ऑनलाइन वाले? तो बहुत यस सर, इंपॉर्टेंट है जो यहां पे मैंने दिखाया आप लोगों को। चलो कुछ स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल दो। हाँ, मैंने कस्टम फॉर्मेट सिखाया आप लोगों को। वो फॉर्मेटिंग हजार एक तरह का काम पे लगता है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे और क्या करना है। हो गया ये स्क्रीनशॉट? ये स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल दो। चलो बाकी का तो आप लोग कैसे क्या करोगे समझ में आ गया, फिर भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। किसका माइक खराब है? चलो ये कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।